अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। चिकन टेरियाकी स्टर फ्राई हम बनाएंगे आज यूजिंग मशरूम्स। और ये कौन से वाले मशरूम्स हैं? ये हाइड्रेट किए हैं और ये ड्राई वाले हैं। अब आप देखें, ये सेम चीज़ है, इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था और देखें कितने अच्छे ये हो गए। ठीक है, इस तरह हो जाएंगे। इसको पानी में ही छोड़ दीजिएगा और ये आपको सुपरमार्केट में मिल जाते हैं। इनको आप पानी में सोख करके रखिएगा, इसका पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग मशरूम का टेस्ट आएगा। तो मैं पानी फेंक दूंगी और इसकी को हम स्लाइस करेंगे। और यहाँ टोफू भी है मेरे पास, इसको मैं सब्ज़ी वाले के पास से ख़रीदती हूँ। सोयाबीन बीन कर्ड इसको कहा जाता है, यहाँ तो एम्प्रेस मार्केट में मिल जाता है, कुछ सब्ज़ी वालों के पास मिल जाता है। ये बनाया जाता है, ठीक है, और इट्स वेरी नाइस फॉर हेल्थ। कभी कभार महीने में एक दो दफ़ा खा लिया करें, स्टर फ्राई वगैरह में डाल दिया करें। इसको हम क्यूब्स में काटेंगे। ये पनीर नहीं है, ये सोयाबीन है, बीन कर्ड है, देखें टोफू है जिसको कहते हैं, देखा आपने, ये है, सॉफ्ट है, लेकिन ये चाइनीज़ खानों में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने बनाए हैं सूप्स वगैरह भी जिसमें मैंने डाला था ये। ओके, पहले हम बनाएंगे आज मीठा कैरेट वॉलनट पुडिंग बनाएंगे। मैदा है 1 कप, बेकिंग पाउडर है 1 चमचा भर के, और हम शाताज कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। सो दैट्स द मेजरमेंट कप हियर, उसी के लिए 1/2 कप। एक बड़ा गाजर ग्रेट करके रख दिया है। ब्राउन शुगर 3/4 कप है, 2 अंडे हैं। वेनिला एसेंस जाएगा इसमें, 1 टेबलस्पून गोल्डन सिरप या शहद आप डालिए, ये यहाँ है गोल्डन सिरप, ठीक है। और चॉप किए हुए टोस्टेड वॉलनट्स हैं यहाँ, मुझे थोड़े से चॉप करने हैं बिकॉज ये साबुत हैं। थोड़े से वॉलनट्स मैंने रख दिए हैं फॉर डेकोरेशन, सो जस्ट चॉप दिस अप। ठीक है, और फिर इसको हम सर्व किस चीज़ के साथ करेंगे? यहाँ या तो क्रीम चीज़ ले लें या दही का मट्ठा ले लें। इसमें हम आइसिंग शुगर डालेंगे, लेमन का छिलका जाएगा, और हम इसको एक इसको हम रैमेकिन में बनाएंगे। ये रैमेकिन्स हैं जिसमें हम इसको बनाएंगे और फिर इसको सर्व हम करेंगे रैमेकिन के साथ। एक स्कूप रख देंगे इस क्रीम का, इसमें आप मैस्कारपोने चीज़ भी डाल सकते हैं, क्रीम चीज़ भी डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। सो सबसे पहले यहाँ मैं शाताज कुकिंग ऑयल ले लेती हूँ। शाताज सेहत भरी खुशियों का राज, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाताज ज़रा सा और, जायके और सेहत से भरपूर, सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। सो ये 1/2 कप शाताज कुकिंग ऑयल है, ये आप इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर, ठीक है, अंडे 2 अदद, और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। फिर ये गाजर जो ग्रेट करके रखा था वो चला जाएगा, और ये मैदा है छना हुआ 1 कप, इसमें आप 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, वेनिला एसेंस जाएगा, और ये गोल्डन सिरप है 1 चमचा भर के, और चॉप किए हुए अखरोट, ठीक है। ये सब कुछ आपने मिक्स कर देना है, कोई ज़्यादा आपने इसको बीट नहीं करना है। 2 से 3 बड़े रैमेकिन्स में या 4 में भी ये आ जाएगा। एक दफ़ा बीटर ज़रा चला लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है जी, इस तरह आपने पूरे
बीटर को सही तरह साफ कर देना है। और एक दफ़ा फिर मैं इसको मिक्स कर दूं, बिकॉज साइडों में मैदा रह गया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, पानी मैंने टिन में रख दिया है, ये देखें। जब भी अवन में आप स्टीम करने के लिए कोई चीज़ रखें तो एक ट्रे पहले से रख लीजिएगा, उसमें पानी रखिएगा, और जब अवन का दरवाज़ा खोलें तो ख्याल से, बिकॉज एकदम से वो भाप आपके मुंह पे लग सकती है। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे शाताज कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करना है रैमेकिंस को। सो बहुत ज़्यादा आ गया, उसको ज़रा दोबारा रिफ़ंड कर देते हैं अंदर। ठीक है, ये आपने ग्रीस कर लिया। अब इसमें बेकिंग पाउडर है, ये राइस होगा, पूरा पूरा इसको नहीं भरिएगा, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चार हो गए, इसमें जगह रखिएगा इसको राइज होने के लिए। अच्छा, आपके पास फॉइल का या बटर पेपर हो तो आप उसके ऊपर इसको कवर करिएगा। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ हाउ आई विल कवर इट। एक प्लीट सी बनानी है हमने, सो दैट ये राइज हो तो प्लीट के थ्रू ये दब ना जाए। ठीक है, ये राइज होने की इसकी जगह मिले इसको। अब अगर मेरे पास यहाँ अभी होगा तो आई विल शो यू, यहाँ फॉइल है कहीं। अच्छा, ब्रेक लेनी है, बट आई हैव टू पुट दिस इन द ओवन, तो मुझे पहले जल्दी से फॉइल भिजवा दीजिए। अगर फॉइल मुझे मिल जाए तो मैं उसका प्लीट बना के दिखा दूँ कि कैसे करना है। सो गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। एक करके दिखा देते हैं, फिर हम रख देते हैं। ध्यान से रखिएगा पानी में, ठीक है। सो मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं, चॉप करके वॉलनट्स हैं, गोल्डन सिरप, वेनिला एसेंस, अंडे, ब्राउन शुगर, गाजर खुर्चा हुआ, शाताज कुकिंग ऑयल, बेकिंग पाउडर और मैदा। चार हैं रैमेकिंस, आपने किस तरह करना है, आप वॉन्ट टू शो दिस टू यू। एक कर देंगे आपके सामने। सो ये आपने लिया, ये तो वैसे आप बंद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन राइज होने की जगह चाहिए। सो इसमें बीच में हम एक प्लीट बनाएंगे लाइक दिस, अ प्लीट लाइक दिस, और फिर आप इसको रखेंगे। जब ये राइज होगा तो ये प्लीट है, इसके थ्रू होगा। समझ आ गई। चलिए जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी, और आके हम फिर चिकन वाली रेसिपी शुरू करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। अब हम क्या करेंगे, इसका जो क्रीम समझ लीजिए या साइड में जो चीज़ सर्व करेंगे वो है। अब इसमें बहुत सारा पानी अभी भी है, हालांकि मैंने इसको 2-3 घंटे दही को टांग के रखा था टू मेक सम नाइस दही का मट्ठा। क्रीम चीज़ हो नहीं हो आपके पास तो दही होती है ना, उसको टांग के अगर उसमें आप चीनी डाल देंगे और थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्रीम चीज़ यूज़ की है कि नहीं। ये देखें, ये हो गया, इसी में आप आइसिंग शुगर डाल दीजिए और लेमन का छिलका और वेनिला एसेंस। ये हम साथ में सर्व करेंगे कैरेट वॉलनट पुडिंग के साथ। गरम गरम पुडिंग सिखा रही हूँ विंटर्स में, तो फ़ायदा उठाइए, सीखिए, बनाइए, ट्राई करिए। और इन पुडिंग्स को इंडिविजुअली बनाइए, एक बड़े में नहीं बनाइएगा, अलग अलग ही बनाइए ताकि सबको एक एक मिल जाए।
मैंने कैरेट एक लिखा है लेकिन मैंने दो इस्तेमाल किए थे इसलिए कि बहुत ही छोटा सा एक कैरेट था, सो दो मैंने डाले हैं कैरेट्स, ठीक है? आपको भी ऐसे करना है तो आप करिए. सो वेनिला एसेंस, लेमन का छिलका, आइसिंग शुगर और दही का मट्ठा या क्रीम चीज़ या मास्कारपोने या जो भी आपके पास हो. सही है, चलो अभी इसको कुछ जो, चार अदद थे ना रेमेकिंस, तो मैंने चार बादाम वॉलनट के हाव्स, अखरोट के हाव्स, आज मैं बहुत नींद में हूँ सॉरी, अखरोट के हाव्स मैंने यहाँ रख दिए हैं ताकि हम डेकोरेशन में उसको काम ला सकें. और इसको और मज़ेदार करने के लिए थोड़ा सा आप आधा पैकेट क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं. दिस इज़ गुड, गुड इनफ. ठीक है, मैंने हाफ कप आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा ओवरली स्वीट डिज़र्ट्स को नहीं बनाइए. ये काफ़ी है, ये अच्छा है, सही है बिल्कुल. ठीक है, बाज़ वक्त क्रीम चीज़ नहीं अवेलेबल होता है, इम्पोर्टेड आइटम्स आजकल नहीं सही तरह मिल रही हर जगह, या आपके पास घर में नहीं है, या आप खर्चा नहीं करना चाहते, या आप आइसक्रीम के साथ नहीं सर्व करना चाहते, तो कुछ चीज़ों के लिए इस तरह भी आप कर सकते हैं. देखें कितना स्मूथ हो गया, पता भी नहीं चला मैंने दही से बनाया था. एक कप मैंने मैदा लिया था, छान के रेडी रखिएगा. एक चमचा भर के हमने लिया था बेकिंग पाउडर, प्लीज़ याद रखिएगा ये वाले चमचे नहीं. वैसे तो हर जगह हर किस्म के चमचे होते हैं लेकिन ये वाले कटलरी वाले चमचे नहीं. ठीक है, मैं चाहती हूँ आप मेजरिंग कप्स के साथ जो चमचे आते हैं वो इस्तेमाल करें, मतलब इस तरह के ये मेजरिंग कप्स हैं, ये मेजरिंग स्पून्स हैं, ये वाले चमचे इस्तेमाल करिएगा, ये अच्छे चमचे हैं. ओके, और हमने इसमें शाताज कुकिंग ऑयल आधा कप डाला था, एक बड़ी गाजर या दो छोटी ले लीजिएगा, 3/4 कप ब्राउन शुगर थी, 2 अदद अंडे थे, वेनिला एसेंस, 1 चमचा भर के गोल्डन सिरप और 100 ग्राम टोस्टेड यानी हल्के से आप टोस्ट कर दीजिएगा अवन में या चूल्हे पर, ड्राई रोस्ट कर दीजिएगा अखरोट, ठीक है, चॉप करके यूज़ कर लीजिएगा. और यहाँ मैंने 250 ग्राम दही लिया था जिसको मैंने टांग के पूरा पानी उसमें से निकलने दिया, या आप क्रीम चीज़ ले लें या आप मास्कारपोने चीज़ ले लें, व्हाटएवर. उसमें आधा कप आइसिंग शुगर डाला था, 1 टीस्पून भर के हमने इसमें ग्रेट करके नींबू का छिलका डाला था और वेनिला एसेंस, और इसको हमने रेडी करके यहाँ रख दिया है. सो दिस इज़ ऑल डन, अब आते हैं खाने की तरफ. चिकन हमें बनानी है, चिकन. अदरक लहसुन है, ब्राउन शुगर है, सोया सॉस है, कॉर्नफ्लावर है, नमक है, ये हाइड्रेट करके मशरूम्स रख दिए हैं. देखें ये ऐसे सूखे मिलते हैं आपको सुपरमार्केट में बैग में, ठीक है, नहीं हो तो आप बटन मशरूम्स डाल दीजिए जो टिन में मिलते हैं. और ये मैंने इसमें से अब पानी निकाल के इसको हमें स्लाइस कर देना है. दे आर वेरी मीटी, जो गोश्त नहीं खाते हैं लोग ना उनके लिए ऐसे मशरूम्स बहुत ही अच्छे हैं. काफ़ी सारे मैंने लिए हैं, आप इसको इस छुरी भी, तो छुरी कहाँ गई मेरी. ठीक है, इस तरह के आप इसको इस तरह, ठीक है, या आप रखते जाइए. सूखे वाले नहीं काटने की कोशिश करिएगा, ठीक है, प्लीज़. उसको पहले आपने 1 से 2 घंटे गर्म पानी में भिगो के रखना है, पानी फेंक दीजिएगा, उस पानी को इस्तेमाल नहीं करिएगा, उसमें फिर बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग टेस्ट आ जाता है मशरूम्स का, पूरी डिश में मशरूम मशरूम ही टेस्ट आते हैं. ये बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए, खाइए, 0 कैलोरीज. और चिकन को क्यूब में काट लिया है, स्प्रिंग अनियंस काट लिए हैं, टोफू मुझे काटना है अभी, वो करते हैं. शाताज कुकिंग ऑयल में हम पकाते हैं, आप यहां देख सकते हैं वनस्पति भी है टिन्स में पीछे. मशरूम्स बहुत इकसाम के मिलते हैं यहाँ, जितने मिलते हैं उसमें ये ड्राई वाले मशरूम्स, शिटाके मशरूम्स इनको कहा जाता है, और इसके अलावा बटन मशरूम्स हैं, फ्रेश वाले वाइट मशरूम्स मिलते हैं, जो भी आपको डालना हो.
ब्रेक है, ओके चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। अब चिकन टेरियाकी स्टर फ्राई हम बनाएंगे। मैंने टोफू के भी पीसेस कर लिए हैं, ठीक है, इस तरह, और इसको हम एंड में डालेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शाताश कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम अदरक और लहसुन को फ्राई करेंगे अच्छी तरह, ठीक है। फिर उसमें हम चिकन डालेंगे, बोनलेस चिकन पीसेज हैं या चिकन ब्रेस्ट फिले ले लीजिएगा, क्यूब्स में काटिएगा। ये शिटाके मशरूम्स हैं जो गर्म पानी में भिगो के रख दिए थे, पानी फेंक दिया था, फिर स्लाइस में काट लिया था। नमक, काली मिर्चें, सोया सॉस और ब्राउन शुगर इसमें जाएगा। इसके सॉस को थिकन करने के लिए मेरे पास यहाँ कॉर्नफ्लावर है और इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके रख देते हैं जब तक यहाँ तेल गर्म होता है। पुडिंग्स हमारे बेक हो रहे हैं, जो पानी है उसमें उबाल आ रहा है, पानी को पहले से रख दीजिएगा अवन में, ठीक है। ये सब कुछ प्रिपेयर से पहले अवन प्रीहीट करें, तब बड़ी सी ट्रे रख दीजिएगा जिसमें इतना सा पानी हो, वो भाप बनेगा उसी में ये पुडिंग पकेंगे। और इसी तरह आप चूल्हे पे भी पका सकते हैं इस पुडिंग को। गर्मा गर्म पुडिंग सीखिए। अच्छा, हमारे कॉलर्स कहाँ हैं ये मुझे पहले बताइए ज़रा। सब सो जाते हैं इस टाइम पे मुझे लगता है, खाना खा के हैं, हमारे नंबर्स चल रहे हैं तो हमें कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। ये कॉर्नफ्लावर हो गया और इसमें अब हम शाताज कुकिंग ऑयल में अदरक और लहसुन चॉप करके डालेंगे। प्लीज़ याद रखिएगा कि पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करिएगा। और फिर इसमें आप चिकन डालिएगा। चिकन में थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं और काली मिर्चें डाल देते हैं, ठीक है। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, सोया सॉस भी है। इसको अच्छी तरह ज़रा सॉटे होने दीजिएगा, पकने दीजिएगा, वरना फिर वो कच्चापन मुंह में आता है। नमक, काली मिर्चें और चिकन, अदरक और लहसुन इन शाताज कुकिंग ऑयल। मैं इसका ज़रा ढक्कन ढाँक दूँ ताकि इसी में ज़रा थोड़ा सा पक जाए। ये दिखाइए, यहाँ आई डोंट थिंक यू कैन कैमरा कैन कैच इट, लेकिन पानी में उबाल आ रहा है तो छोटे छोटे बबल्स हो रहे हैं और ये पुडिंग्स जो हैं वो राइज हो रहे हैं। मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जो पेपर मैंने या फॉयल मैंने ऊपर लगाया था ना, वो ऐसे टेढ़ा शेढ़ा हो रहा है, तो इट्स मेकिंग वे, और वो फिर खुल जाएगा पेपर इस तरह, बिकॉज मैंने प्लीट की हुई है, ठीक है। प्लीट नहीं की हुई होती तो फिर वो जगह नहीं है उसके लिए राइज होने के लिए लेकिन हमने पानी में इसको करना है तो इसीलिए आई वॉन्ट के ये ढके हुए हों। ओके, अब हम मशरूम्स डालेंगे, ये सारी चीज़ें जाएंगी, टोफू जाएगा। कोई भी इस तरह का टेरियाकी सॉस आपको बनाना है, वैसे टेरियाकी सॉस भी रेडीमेड मिल जाता है, नहीं लेना है तो ब्राउन शुगर, सोया सॉस, काली मिर्चें, नमक, पानी इस तरह करके फिर उसको जो भी चीज़ें चिकन वगैरह डालना हो, और फिर कॉर्नफ्लावर। इतना आसान है, बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाती हूँ जो आपको बॉटल में मिल जाती हैं, लेकिन क्यों पैसे खर्च करें जब हम सिखा रहे हैं। स्क्रैच से बनाना, फिर कोई अंदर एडिटिव्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं अंदर डाला जाता है ना, तो वो हम क्यों अपने पेट में डालें ऐसी चीज़ें। तो फिर हम खाते हैं बेसिक बेसिक चीज़ें, हम आपको सिखाते हैं, तो सीखिए, ट्राई करिए, बनाइए और हमें फीडबैक दीजिए। सो पहले तो हमने शाताज कुकिंग ऑयल को गर्म किया, अदरक और लहसुन डाला, उसमें चिकन डाला, नमक, काली मिर्चें और इसको पकने दीजिए। फिर ये मशरूम्स जाएंगे, ब्राउन शुगर जाएगी, सोया सॉस है और पानी और कॉर्नफ्लावर है और हरा प्याज एंड में जाएगा, टोफू जाएगा। दैट्स इट, सिंपल, बहुत आसान है। आप इसको नूडल्स के साथ सर्व करें, इसको आप फ्राइड राइस के साथ सर्व करें, बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें। टोफू को बहुत ज़्यादा अंदर डाल के वो नहीं करिएगा, हाँ आपको इसको स्टर फ्राई करना है, मगर इसको बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाइएगा, फिर ये बिल्कुल पनीर भुर्जी की तरह हो जाएगा। सो कीप इट नाइस एंड, देखें सॉफ्टनेस, बहुत सारे लोग टोफू घर लाते हैं और भूल जाते हैं फ्रिज में रख के, इसका पानी हर रोज़ चेंज करिए, इसको ला के एक डब्बे में भर करके रख दीजिए, लेकिन आप इसको बहुत सारे दिनों तक चला सकते हैं, पानी रोज़ाना इसका तब्दील करिए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लंबा चलेगा। और छोटा छोटा पीस ही ले आइए, चिकन का पूरा कलर तब्दील हो फिर मैं इसमें टोफू डालूंगी। आई वॉन्ट कि चिकन फुल डन हो जाए पहले।
शाताज कुकिंग ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं अपने शो पे। शाताज सेहत भरी खुशियों का राज, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाताज ज़रा सा और जायके और सेहत से भरपूर शाताज कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, प्यार से खाना खिलाने का सिलसिला यूं ही चलता रहना चाहिए। नाउ गो इन द मशरूम्स। चिकन को पकने दीजिए, फिर सोया सॉस डालने के बाद हम चखेंगे। इफ़ यू नीड मोर नमक तो हम डालेंगे, वरना नहीं। अच्छा ठीक है, ब्रेक है, ओके सो वी टेक अ लिटिल ब्रेक। चिकन हमारी हो रही है, ब्रेक से आके ये सारी चीज़ें करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके सॉस के लिए इसमें ब्राउन शुगर डालेंगे और इसमें हम सोया सॉस डालेंगे, लेकिन फिर चखेंगे, थोड़ा सा पानी जाएगा। और ब्राउन शुगर जब पिघल जाएगी सोया सॉस के साथ, इतना अच्छा ये कॉम्बिनेशन होगा, टेरियाकी फ्लेवर हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा थिकन करेंगे कॉर्नफ्लावर के साथ। घर के चूल्हों की तरह यहाँ भी गैस नहीं आ रही मुझे लग रहा है घर में तो इतना मसला हो रहा है, आई एम श्योर सबको हो रहा है। चलिए जी, सो नाउ वी एडेड द सोया सॉस, लेकिन पूरा नहीं मैंने डाला है। मेरा सोया सॉस जापानीज़ वाला, वो बड़ी वाली बॉटल जो है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ, काफ़ी शार्प है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं पहले हमेशा कम डालती हूँ। चखेंगे इसको और उसके बाद नमक नहीं डालिएगा ज़्यादा, ठीक है। एंड में सिर्फ हम फोल्ड कर देंगे दो बड़े इस तरह के स्लाइस में कटे हुए हरे प्याज हैं, और ये कॉर्नफ्लावर और पानी के साथ हम इसको थिकन करेंगे। दैट्स इट। अब चलते हैं वहाँ अवन की तरफ, मुझे देखना है इफ़ माय पुडिंग्स आर डन। तो एक अदद यहाँ हुआ करती थी, हुआ करता था स्कूअर, स्कूअर भी गायब हो गया है गैस की तरह। अच्छा जी, ये खोलिएगा, बचाइएगा हाथ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्टीम। ये देखें, देखा आपने, अब स्कूअर की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता चल गया है कहाँ पहुँचे हैं हम। सो बस 5 मिनट एंड वी टेक दिस आउट। अब आपको मैं समझाना ये चाह रही थी कि जब मैं अगर ऐसे करके प्लेन में फॉइल रख देती तो क्या होता कि वो जगह नहीं मिलती। ये मैंने यहाँ प्लीट रखी है, देखा आपने, प्लीट बनाई है, इससे क्या होता है राइज होने में आसानी मिलती है। बस दैट्स इट, सिंपल। अब हल्के हाथ से आप इसको फोल्ड कर दीजिए। इसमें आप डाल दीजिए, पहले मैं ये डाल देना चाहती हूँ, पानी और कॉर्नफ्लावर जो अच्छी तरह मिक्स करके रखते हैं तो फिर वो वापस जम जाता है। ये इतना डाला करें कि ये कोट कर ले चिकन वगैरह को, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है। बस 1 मिनट आपने पकाना है इसको, और हरे प्याज डाल देने हैं अंदर पूरे के पूरे, और चखना है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे वरना नहीं। थोड़ा सा ब्राउन शुगर के साथ कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा रहता है इस सोया सॉस का। बस ख़त्म, डन, रेडी। चिकन फुल डन होनी चाहिए, ठीक है, ख़त्म। चलिए इसको भी मैं बंद कर देती हूँ और इसको हम खोल के आराम से निकालते हैं। मीनवाइल हम ब्रेक की तरफ भी चलेंगे, बिकॉज रेसिपी रिकैप चलेगा अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो। मैं अब इसको रैमेकिन में रख के साथ में वो थोड़ा सा हम क्रीम रखेंगे, बिकॉज अभी तो बहुत गर्म है, राइट। सो वो क्रीम हम ऊपर नहीं डाल सकते हैं। तो मैंने मैदा लिया था 1 कप, 1 चमचा भर के बेकिंग पाउडर था, 1/2 कप शाताज कुकिंग ऑयल था, 1 से 2 गाजर लेके ग्रेट कर दीजिएगा, 3/4 कप ब्राउन शुगर थी, 2 अदद अंडे थे, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 टेबलस्पून गोल्डन सिरप था, और 100 ग्राम चॉप करके टोस्टेड वॉलनट्स थे।
और इसके लिए मैंने दही को टांग लिया था। सो 250 ग्राम दही या क्रीम चीज़ या मास्कारपोने चीज़ ले लीजिएगा, उसमें आधा कप आइसिंग शुगर छान के डालिएगा, लेमन का छिलका डालिएगा, वेनिला एसेंस, दैट्स इट। और ये जो चिकन मैंने बनाई है उसमें मैंने शाताज कुकिंग ऑयल को पहले गर्म कर दिया था, उसमें अदरक और लहसुन डाला था और चिकन ब्रेस्ट फिले क्यूब में काट के डाल दिए थे, शिटाके मशरूम्स थे जो मैंने हाइड्रेट किए थे, गर्म पानी में डाल के स्लाइस कर दिए थे, सोया सॉस, ब्राउन शुगर, नमक, काली मिर्चें, टोफू और कॉर्नफ्लावर और पानी के साथ मैंने इसको थिकन कर दिया है। एंड में हरे प्याज चले गए। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं दर्नक? मैं जवेरिया बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। हो सके तो एक दफा या तो आप अपने प्रोग्राम रिपीट कर दीजिएगा, सूप की रेसिपी एक दफा बना दीजिएगा। रेड क्या होगा? रेड लेंटिल सूप बाय ज़ारनक सिद्वा, आप चेक कर लें, उस पर नेट पे चेक कर लें या गूगल पे चेक कर लें कहीं। अच्छा सही है, मैं देख लूंगी। वैसे मैंने कल देखा तो मुझे नजर नहीं आई, ये रेसिपी नहीं आई, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं आपको कॉल कर दूंगी। और ठीक है, बनाएंगे किसी दिन। मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। हमारी दूसरी रेसिपीज भी ट्राई करिएगा, दूसरी रेसिपीज भी ट्राई करिएगा, जो बहुत सारे सूप्स की रेसिपीज में आपको जी, हाँ। बनाना सिखा चुकी हूँ। वो तो मैंने की है, मैंने आपकी सूप की रेसिपी की है, लेकिन आप अगर एक दफा अगर नहीं हुआ तो अभी तो रिपीट में बता दीजिएगा, एक दफा अपने प्रोग्राम में ओवरऑल बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। ओके अब रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। आपकी दोनों रेसिपीज आज नोट कर दीजिए, अवन में से हम पुडिंग्स को निकालते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक। देखिए मैंने यहाँ इसको रख दिया, आप ठंडा करके प्लीज़ थोड़ा करिएगा, ठीक है? देयर इज़ नो पॉइंट डूइंग इट जब ये इस तरह फैल जाएगा, बट मैंने आपको दिखाना है इसलिए। ओके जी, ये भी हो गया। और हमारा कैरेट एंड वॉलनट पुडिंग हो गया, ये स्टीम कर सकते हैं अवन में, आप पानी में भाप में पका सकते हैं। टेरियाकी चिकन हो गया, इसने से डिश के लिए आप लोग कितने कितने पैसे देते हैं बाहर जब खाना खाने जाते हैं, प्लीज़ घर में बनाइए और ये साफ़ सुथरा भी होगा, आपको पता है आपने क्या डाला है। अब इसमें आप बेबी कॉर्न डालना चाहें, आप इसमें लाल शिमला मिर्च डालना चाहें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है? लेकिन ये बेसिक रेसिपी है, चिकन और टोफू और मशरूम्स के साथ मैंने बनाया है। सो ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। अब मेरी और आपकी मुलाकात कल 3:30 बजे लाइव होगी, पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे में लाइव हूँ आपके साथ मसाला टीवी पे। फूड डायरीज़ देखते रहिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।